वेलकम टू अर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल अब सभी स्टूडेंट जानते हैं कल एनएफएल का एग्ज़ाम है तो ज़्यादातर स्टूडेंट एग्जाम हॉल का नज़दीक पहुंच गया है और ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है जो अभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है या बस में ट्रैवल कर रहा है और ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका एग्ज़ाम सेंटर घर से बहुत नज़दीक है इसीलिए अभी तक उन लोग घर से नहीं गया है तो एग्ज़ाम देने से पहले अब लोग का एक क्लास अब सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आज मैं टोटल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा साढ़े चार सौ क्वेश्चन तो ये एग्जाम देने से पहले एक रिविजन क्लासेस होगा आज मैं क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा जस्ट आप लोगों का क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा क्योंकि ये जो क्लास है रिविजन क्लास है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन नाइन्टी क्वेश्चन मैं क्लास में बहुत बार सॉल्व करा दिया हूँ आज आप लोगों के लिए साढ़े क्वेश्चन का रिविजन क्लास होगा ये जो क्लास होगा फ्री फायर क्लास होगा तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना अंत तक देखना और वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना आने वाला हर हाँ टेक्निकल जॉब का पल पल का अपडेट आप अब लोगों को मिलते रहेगा तो ज़्यादा लेट नहीं करूँगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आज का फास्ट क्वेश्चन दो नंबर से स्टार्ट करूंगा हुइ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड इनसाइड द आई कैंपस आईटीआई कैंपस का अंदर कौन सा चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं होता है प्रोहिबिटेड का मीनिंग आप लोगों को जानना चाहिए इसका मतलब निश्चित होना मतलब अलाउ नहीं करना तो नॉट प्रोहिबिटेड मतलब क्या है अलाउ करता है कौन सा तो यूजिंग मोबाइल फ़ोन ये तो अलाउ नहीं करता वेयरिंग प्लास्टिक और रबर सैंडल्स ये भी अलाउ नहीं करता ऑप्शन नंबर सी वेयरिंग लूज क्लॉथ रिंग टाइज ये भी अलाउ नहीं करता ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर वेयरिंग स्टील टो स्टील कैप्स सेफ्टी शूज तो सेफ्टी शूज़ स्टील कैप आप लोग को पहन का जाना चाहिए क्योंकि खुद का सेफ्टी के लिए ठीक है तो ये प्रोहिबिटेड नहीं होता है ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेंजरस वाइल क्रॉसिंग द रोड रोड क्रॉस करते टाइम कौन सा चीज़ डेंजरस खतरनाक होता है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर क्रॉसिंग द रोड वाइल रेड सिग्नल इज़ ऑन जब रेड सिग्नल ऑन रहता है तब हम लोग को रास्ता क्रॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि रेड सिग्नल डेंजरस का सिग्नल होता है ठीक है जब ग्रीन सिग्नल रहता है तब हम लोग को रास्ता क्रॉस करना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर एन एक्सीडेंट इज़ दुर्घटना क्या होता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर अन नॉन कंट्रोलेबल इवेंट एंड अनडिजायरेबल इवेंट मतलब पहले से हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करते हैं और नॉन कंट्रोलेबल मतलब इसको हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं और अनडिजायरेबल हम लोग चाहते नहीं हैं फिर भी ये होता है इसलिए ऑल ऑफ द एबाव इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव हुइच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉस्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट एक्सीडेंट होने का कारण कौन सा चीज़ नहीं होता है तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन जब एक्सीडेंट होता है तब क्या होता है तब काम बंद हो जाता है तो so, जब काम ही बंद हो जाता है तब प्रोडक्शन में इंक्रीज कैसे होगा तो ये चीज़ नहीं होता है ठीक है तो एक्सीडेंट होने के कारण कौन सा चीज़ नहीं होता है कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं होता डिक्रीज़ होता है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज मतलब सतर्क होकर काम करना मतलब क्या है एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग मतलब एक दक्षता और right मतलब राइट वे मतलब प्रॉपर वे प्रॉपर जिसको बोलता है वे फॉलो करके काम करने को बोलता है द सेफ वे ऑफ वर्किंग इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर द बेस्ट वे ऑफ एवॉइडिंग एक्सीडेंट इज़ बाय कैसे हम लोग एक्सीडेंट को एवॉइड कर सकते हैं इसका बेस्ट वे क्या होता है इसका बेस्ट वे होता है ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू द जॉब मशीन एंड वर्क पीस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर जब भी हम लोग कोई भी जॉब बनाते हैं या मशीन में काम करते हैं या वर्क प्लेस में हम लोग काम करते हैं तब उसका रिलेटेड जो भी सेफ्टी रूल्स होता है उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए ठीक है इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन अगर हम लोग जो जहाँ पे काम करते हैं जॉब या मैसेज या वर्क प्लेस पर हम लोग जो काम करते हैं अगर हम लोग सब कुछ सेफ्टी रूल्स मानेंगे तो हम लोग का एक्सीडेंट नहीं होगा तो इसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर का केस ऑफ एन एक्सीडेंट एक्सीडेंट जब भी होता है तो द विक्टिम शुड भी इमिडिएटली बी विक्टिम मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको क्या करना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर अटेंडेंट टू इमीडिएटली ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन बाय जो ऑयली फ्लोर रहता है कोई भी एक फ्लोर है उसका ऊपर अगर ऑयली सरफेस बन गया या ऑयल गिर गया तो हम लोगों को क्या करना चाहिए पुटिंग डस्ट लकड़ी करने के बाद जो डस्ट होता है ना सो डस्ट जो होता है उसको आ, दे, पुट करना चाहिए मतलब उसको दे देना चाहिए ठीक है तो वाली फ्लोर का ऊपर वो दे देंगे तो क्या हो जाएगा वो स्लिप नहीं होगा ठीक है इसका बाद टेन नंबर का क्वेश्चन फायर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फायर का किसका फायर किसका कॉम्बिनेशन में बनता है फ्यूअल हीट एंड ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्यूअल हीट एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन में फायर बनता है ठीक है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन नंबर का इन केस ऑफ आर कोल्डिंग वन शुड प्रोटेक्ट हिज आई बाई यूजिंग जब हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं तब उसका जो करते हैं तो उसका आइज को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा डार्क ग्लास स्क्रीन। तो डार्क ग्लास स्क्रीन हम लोग को पहनना चाहिए क्योंकि उसका जो रेज होता है आँख के लिए बहुत खतरा होता है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डार्क ग्लास स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व नंबर का वेल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो टूल का ग्राइंडिंग करते टाइम हम लोग को क्या पहनना चाहिए क्या यूज़ करना चाहिए सेफ्टी गूगल्स यूज़ करना चाहिए क्योंकि टूल जब हम लोग कटिंग करते हैं तो उसका चिप्स छोटा छोटा चिप्स फ्लाई होते रहते हैं तो वो वह आँख का अंदर जा सकते हैं इसीलिए हम लोग को सेफ्टी गूगल्स पहनना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन नंबर का ए हैमर विथ लूजली फिटेड हैंडल विल जो हैमर है जिसका हैंडल बहुत लूजली है मतलब लूजली फिटेड है तो वो क्या हो सकता है वो हो सकता फ्लाई एवे एन कॉज एक्सीडेंट अगर कोई भी हैमर का हैंडल लूज होगा और अगर हम लोग हैमरिंग करते हैं ज़ोर से अगर हैमरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो हैमर उड़ जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है किसी का बाद किसी के पास जाके चोट लग सकता है ठीक है तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन एक्सीडेंट आर कॉज डू नॉट हैपन एक्सीडेंट होते कारण ये घटता नहीं है ठीक है कुछ होना following is not due to human failure. तो फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू ह्यूमन फेलियर तो इनमें से कौन सा ह्यूमन फेलियर मतलब मनुष्यों द्वारा कौन सा फेलियर नहीं होता है हम लोग जो इंसान है इंसान द्वारा कौन सा गलती नहीं होना चाहिए नहीं होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एक्सीडेंट ड्यूरिंग ड्यू टू आर्थक्वेक जब भूकंप होता है तब जो एक्सीडेंट होता है ना तब तो, तो ह्यूमन oh, फेलियर नहीं होता है मतलब इंसान द्वारा वो फेलियर नहीं होता है ठीक है तो ये होता है क्या ये नेचुरली होता है तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी नंबर का इफ देयर इज एल पी जी लीकेज एट द होम और वर्कशॉप व्हाट शुड यू डू अगर होम घर पे या वर्कशॉप पे एल पी जी गैस लीकेज हो रहा है तब हम लोगों को क्या करना चाहिए तब हम लोगों को क्या करना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर डो नॉट स्विच ऑन लाइट्स एंड फैन डो नॉट स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन सेम ऑप्शन है और ओपन द डोर ओपन डोर को ओपन कर देना चाहिए इसीलिए ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन नंबर का इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर जब इलेक्ट्रिक फायर होता है विच ऑन नाट द फॉलोइंग शूड नॉट यूज मतलब इलेक्ट्रिक फायर का जब होता है तब हम लोग को कौन सा चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर पुट वाटर ऑन इट हम लोग को पानी यूज नहीं करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटीन नंबर का हुच इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर इलेक्ट्रिक फायर होने का कारण क्या है लूज कनेक्शन से भी हो सकता है ओवरलोडिंग दायर से ओवरलोड होने का कारण भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का वजह से भी हो सकता है इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑयल फायर एक्सटिंग्विज बाय जो ऑयल फायर होता है ऑयल फायर को हम लोग कैसे एक्सटिंग्विज मतलब निभाते हैं कैसे तो आग को कैसे बुझाते हैं हम लोग आग हाँ हम लोग फोम एक्सटिंग यूज़ करके बुझाते हैं ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटीन नंबर का कार्बोनेसियस फायर इज कॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ वुड और कोल टू पुट दिस ऑफ द फायर यूज मतलब जो कार्बोनेसियस फायर होता है ना जो क्लास ए फायर होता है वुड कोल से आग लगता है तो उसको हम लोग कैसे बुझाते हैं उसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सोडा एसिड एक्सट्री भी यूज़ करते हैं सैंड और क्ले भी यूज़ करते हैं और वाटर भी यूज़ करते हैं इसलिए नाइनटीन नंबर का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो एट था टोटल सेफ्टी चैप्टर का क्वेश्चन इसका बाद में डिस्कस करूंगा आप देख सकते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन ठीक है मेजरमेंट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हुच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट्स इनमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है तो लेंथ फंडामेंटल यूनिट होता है मास होता है टाइम होता है लेकिन प्रेशर डेराइव्ड यूनिट होता है ठीक है इसीलिए प्रेशर इज इस द राइट आंसर ओके तो प्रेशर का जो यूनिट होता है प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बटा एरिया ठीक है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए टोटल थिंग इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव यूनिट इनमें से डेराइव यूनिट कौन सा है तो इनमें से ड्राइफ यूनिट एरिया भी होता है फोर्स भी होता है वॉल्यूम भी होता है इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो इनमें से सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या होते हैं एपीएस भी होता है फुट पाउंड सेकेंड सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एम के मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड तो तीनों सिस्टम होता है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोन नंबर का हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वन डेसीमीटर इज इजल टू तो इनमें से कौन सा राइट right इक्वेशन है वन डेसीमीटर इज इजिकल टू कितना मिलीमीटर होता है तो होता है हंड्रेड मिलीमीटर ठीक है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ओके okay, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए वन डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है वन डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है हंड्रेड मिलीमीटर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वन किलोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर वन किलोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है तो कैसा होता है किलो हेक्टर डेका, मीटर डेसी सेंटी मिली ठीक है तो वन किलोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है आप देख सकते वन जीरो टू थ्री फोर फाइव तो टोटल फाइव जीरो होगा ठीक है वन इधर से वन होगा तो टोटल फाइव जीरो होगा तो आप देख सकते हैं इनमें से ऑप्शन कौन सा है अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद वन क्विंटल इज इजल टू वन क्विंटल इक्वल टू क्या हो जाता है हंड्रेड के जी ये जो भी क्वेश्चन है इधर से क्वेश्चन आप लोग का आएगा तो आप लोग अच्छा से क्लास को देखना पूरा क्लास को आप लोग देखना इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर का वन क्यूबिक मीटर इजकल टू तो वन क्यूबिक मीटर इजिकल टू क्या होता है तो वन क्यूबिक मीटर इजिकल टू होता है जैसे हम लोग जानते हैं मीटर मीटर डेसी सेंटी तो मीटर के बाद कितना गैप होता है टेन होता है तो क्यूबिक मतलब क्या है क्यूब तो वन जीरो टोटल हो जाएगा थाउजेंड हो जाएगा ठीक है तो इनमें से थाउजेंड कहाँ है आप देख सकते हैं इनमें से थाउजेंट ऑप्शन नंबर ए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन क्यूबिक मीटर इजिकल टू थाउजेंड क्यूबिक डेसीमीटर ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वन मिलीमीटर इज इजिकल टू वन मिलीमीटर इजिकल टू क्या होता है तो ये जो जो क्वेश्चन है ना आज मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का रिविजन हो रहा है अगर आप लोग इसका सोल्यूशन चाहेंगे कि कैसे कैसे होता है ये भी मैं आप लोग को बाद में क्लास में डिस्कस कर दूंगा क्योंकि आप लोग कल का जो वीडियो आया था एन एफ एल क्वेश्चन पेपर उनमें से मैं बहुत ही आ, जो भी क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा से बोर्ड में मैं क्लियर कर दिया हूँ तो जो भी मैथ का क्वेश्चन और हम लोग का थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा मैं अच्छा से क्लियर कर सकता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं है इसीलिए मैं आज का रैपिड फ्री फायर क्लास चला रहा हूँ ठीक है कि जितना ज़्यादा हो सके ब्लॉक लोग का रिविजन हो जाएगा इसका बाद क्या बोला है वन मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा थाउजेंड माइक्रोन ठीक है क्योंकि ये जो गैप होता है ना मिलीमीटर जैसे पहले पहले क्या था मीटर था मीटर डेसी सेंटी मिली तो इधर से क्या गैप होता है दस 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 मतलब क्या है मीटर से अगर मिलीमीटर करने जाएंगे तब क्या हो जाएगा वन मीटर मीटर इज़ इक्वल टू हो जाएगा थाउजेंड मिलीमीटर लेकिन मिलीमीटर से जब भी हम लोग माइक्रो में जाएंगे तब इसका डिफरेंस होता है टेन टू दुबा थ्री ठीक है तो वन मिलीमीटर इज़ इक्वल टू हो जाएगा टेन टू दुबा थ्री मतलब थाउजेंड माइक्रोन हो जाएगा ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद वन टोन इज इजक्ल टू वन टोन इज इजिकल टू क्या होता है वन टोन इज इजक्ल टू आप देख सकते हैं टेन क्विंटल भी हम लोग बोल सकते हैं टेन क्विंटल मतलब क्या है एक क्विंटल मतलब हंड्रेड के तो टेन क्विंटल मतलब क्या हो जाएगा टोटल थाउजेंड ही आएगा आप देख सकते इधर थाउजेंड के आ गया और इधर ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए इजी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करेगा तो इसीलिए मैं आज का क्लास ले रहा हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वन इंच इज इजिकल टू तो कन्वर्ट करने के लिए बोला है वन इंच इज इजिकल टू आता है हम लोग जानते हैं ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर मिलीमीटर ठीक है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वन मीटर इज इजिकल टू वन मीटर इजिकल टू क्या होता है तो वन मीटर इजिकल टू होता है थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंचज होता है आप लोग को याद रहना चाहिए एक क्वेश्चन आएगा यूनिट एंड कन्वर्सन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ठीक है वन मीटर इजिकल टू होता है थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंचज होता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वन किलोमीटर इज इजिकल टू वन किलोमीटर इजिकल टू क्या होता है तो वन किलोमीटर इज इजल टू होता है ऑप्शन नंबर सी जीरो पॉइंट सिक्स टू वन फोर माइल होता है ठीक है तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए तो एक किलोमीटर इजिकल टू कितना माइल होता है जीरो पॉइंट सिक्स टू वन फोर होता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है ऑप्शन नंबर सी टू पॉइंट टू जीरो पाउंड होता है ठीक है तो वन के जी इजिकल टू होता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं नाइनटी एट पॉइंट फोर डिग्री फॉरनाइट सेंटीग्रेड इज इक्वल टू जो नाइन्टी एट पॉइंट फोर हम लोग का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हम लोग का बॉडी का तो हम लोग का शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है नाइन्टी एट पॉइंट फोर डिग्री फारेनाइट होता है तो इसका अगर हम लोग सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एक फॉर्मूला होता है सी बाई फाइव इक्वल टू एफ माइनस थर्टी टू नाइन तो एफ का जगह अगर वैल्यू को पुट कर देंगे नाइन्टी एट पॉइंट फोर तो इसका मान निकल के आ जाएगा इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा ठीक है लेकिन आप लोगों को नॉर्मली ये जानना चाहिए इसका आंसर हो जाता है थर्टी सिक्स पॉइंट एट नाइन ठीक है तो सेंटीग्रेड में आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि ये हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में और फाइव में दोनों में जानना चाहिए ओके इसका बाद अगर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वन गैलोन इजिकल टू तो वन गैलोन इजिकल टू कितना होता है वन गैलोन इजिकल टू होता है फोर पॉइंट फाइव फोर फोर लीटर ठीक है मतलब एक गैलोन इजिकल टू होता है फोर पॉइंट फाइव फोर फोर लीटर इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव लीटर इज इजल टू कितना गैलन होता है फाइव लीटर इज इजल टू होता है आप लोग को याद रहना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर वन पॉइंट वन गैलोन होता है ठीक है क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि इसका पहला जो क्वेश्चन था वन गैलोन इजिकल टू होता है फोर पॉइंट फाइव फोर फोर लीटर होता है ठीक है तो फोर पॉइंट फाइव फोर फोर लीटर इजिकल टू वन गैलन अगर होगा और एक लीटर इक्वल टू कितना होगा वन बटा फोर पॉइंट फाइव फोर फोर और कितना बोला है आप देख सकते हैं पाँच लीटर इजिकल टू क्या बोला है तो पांच लीटर मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली आ जाएगा तो एक ही चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए कि वन गैलन इज इजिकल टू कितना होता है तो वन गैलन होता है फोर पॉइंट फाइव फोर फोर लीटर होता है ठीक है तो ये अगर मेन चीज आप लोग को याद रहेगा तो पांच लीटर बोलेगा या दस लीटर बोलेगा या दस गैलन बोलेगा या पचास गैलन बोलेगा ऑटोमेटिकली वैल्यू इसका निकल जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थाउजेंड लीटर इज इजल टू थाउजेंड लीटर इज इजिकल टू क्या होता है तो अब लोग को याद रखना चाहिए वन क्यूबिक मीटर होता है ठीक है तो थाउजेंड लीटर इज इजिकल टू होता है वन क्यूबिक मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं वन स्क्वायर मीटर इज इजिकल टू वन स्क्वायर मीटर मतलब वन मीटर स्क्वायर इज इजल टू क्या होता है तो आप लोग को याद रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट राइट आंसर टेन पॉइंट सेवन सिक्स फोर स्क्वायर फीट इज द राइट आंसर ठीक है तो वन स्क्वायर मीटर इज इजक्ल टू टेन पॉइंट सेवन सिक्स फोर स्क्वायर फीट इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन माइक्रोन इज इजक्ल टू वन माइक्रोन इज इजल टू ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मिलीमीटर ठीक है तो जैसे जैसे कि मैं आप लोग को ऐसे बताया था कि मीटर मीटर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको ऐसे होता है ना तो ये होता है कि माइक्रो होता है तो इधर से जब भी हम लोग इधर जाएंगे इधर से जब भी हम लोग इधर जाएंगे टेन करके मल्टीपल होता रहेगा ठीक है और इधर से माइक्रो से जब भी हम लोग इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा ए जब भी हम लोग मिलीमीटर से माइक्रो में जाएंगे तब टेन टू बा थ्री हम लोगों को हो जाएगा और जब भी इसको हम लोग विपरीत साइड में आएंगे मतलब अपोजिट साइड में अगर घूम के आएंगे तब क्या हो जाएगा माइक्रोमीटर से अगर मिलीमीटर में आएंगे तब हो जाएगा टेन टू वन माइनस थ्री ठीक है मतलब वन बट थाउजेंड ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वन बटा थाउजेंड मतलब क्या है आप देख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो नंबर सी इज द राइट आंसर ओके इसका बोला है वन ब्रिटिश टोन इज इजिकल टू वन ब्रिटिश टोन इजिकल टू क्या होता है वन पॉइंट जीरो वन सिक्स मेट्रिक टन होता है ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए वन विटिश इज इक्वल टू होता है वन पॉइंट जीरो वन सिक्स मेट्रिक टन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द करेक्ट आंसर इनमें से करेक्ट आंसर क्या है तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिए आप लोग बताएँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इनमें से तीनों जो इक्वेशन है तीनों इक्वेशन ही राइट आंसर है ठीक है तो तीनों इक्वेशन ही आप लोगों को याद रहना चाहिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है वन मीटर रिजल्ट होता है थ्री पॉइंट टू एट जीरो नाइन फीट वन फीट रिजल्ट होता है जीरो पॉइंट थ्री जीरो फोर एट मीटर वन मीटर इज वन मिली मीटर रिजल्ट होता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाइन थ्री सेवन इंचज होता है इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ओके okay, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू नंबर का वन माइल इज इजल टू वन माइल इजिकल टू क्या होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है मतलब क्या वन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन किलोमीटर वन माइल इजिकल टू क्या हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन किलोमीटर हो जाएगा ठीक है तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन वन एकड़ इज इजिकल टू वन एकड़ मतलब क्या है वन एकड़ इजिकल टू होता है फोर एट फोर जीरो स्क्वायर यार्ड्स होता है ठीक है फोर एट फोर जीरो स्क्वायर ईयर्स होता है आप लोग को याद रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन क्यूबिक इंच इज इक्वल टू वन क्यूबिक इंच इज इक्वल टू क्या होता है तो ट्वेंटी फोर नंबर का राइट right आंसर हो जाएगा डी तो डी नंबर का राइट right आंसर हो जाएगा सिक्सटीन पॉइंट थ्री एट सेवन क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है तो वन क्यूबिक इंच इज इक्वल टू होता है सिक्सटीन पॉइंट थ्री एट सेवन क्यूबिक सेंटीमीटर इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फाइंड द करेक्ट आंसर वन राइट एंगल इज इक्वल टू हंड्रेड ग्रेड्स वन ग्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड मिनट्स वन मिनट इज इक्वल टू हंड्रेड सेकेंड ऑल ऑफ़ द एब तो इनमें से करेक्ट क्या हो जाएगा इनमें से करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबब ठीक है तो वन मिनट इक्वल टू हंड्रेड सेकेंड भी होता है वन ग्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड मिनट भी होता है और वन राइट एंगल इज इक्वल टू होता है हंड्रेड ग्रेड भी होता है तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा वन मिनट इज इक्वल टू हंड्रेड सेकेंड कैसे हो रहा है लेकिन ब्रिटिश में ऐसा होता है ठीक है तो ऑल ऑफ द एब राइट आंसर हो जाएगा और एक बात ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आया था सेल का एग्जाम में सेल राउड के ला एग्जाम में आया था आप लोग पेपर को चेक कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन में मैं मिस्टेक कर दिया था इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को जानना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो इसका बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आप देख सकते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर मार्किंग एंड मार्किंग टूल तो इसका बारे में भी मैं आज डिस्कस करूंगा देख सकते हैं फास्ट क्वेश्चन क्या है द टूल हुइ इज़ यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्किल एक टूल जो लार्ज सर्किल बनाने के लिए यूज़ होता है तो उस टूल को क्या बोलते हैं हम लोग जानते हैं जनरली स्मॉल सर्किल बनाने के लिए हम लोग डिवाइडर को यूज़ करते हैं और लार्ज सर्किल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे ट्रामेल को यूज़ करेंगे ट्रामेल या हम लोग बीम कॉम्पस बोल सकते हैं इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हुइच वन ऑफ़ द फॉलोइंग रूल यूज़ फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग पैटर्नस एंड हॉट जॉब्स हैंडल बाई ब्लैक स्मिथ जो ब्लैक स्मिथ हॉट जॉब हैंडल करता है उसका मेजरिंग मतलब पैटर्न को मेजरिंग करने के लिए हॉट जॉब का पैटर्न का मेजरिंग करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं हम लोग श्रिंक रूल यूज करते हैं ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को जानना चाहिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर का वी ब्लॉक्स इज यूज टू होल्ड राउंड बार वी ब्लॉक राउंड बार को पकड़ने के लिए यूज होता है इट हैज ए वी ग्रुप व्हिच इज यूजुअली इसका जो वी ग्रुप है ये इसका वैल्यू क्या होता है इसका वैल्यू होता है नाइन्टी डिग्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर स्क्राइबर का पॉइंट एंगल क्या होता है तो स्क्राइबर हम लोग कोई भी मार्किंग करते टाइम में काम में आता है ठीक है लाइन खींचने खींचने का टाइम में यूज़ होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो पॉइंट एंगल होता है ट्वेल्व टू फिफ्टीन डिग्री होता है ओके okay, तो स्क्राइबर पॉइंट का स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है तो एक्सीडेंट हो सकता है पोकिंग हो सकता है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एक कॉर्क को हम लोग उसका फ्रंट पोर्शन में टी पोर्शन में लगा देते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच सेंटर पंच का पॉइंट एंगल क्या होता है नाइन्टी डिग्री होता है ओके आप लोग को याद रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सर्फेस इज प्रोवाइडेड बाई मार्किंग टाइम रेफरेंस सर्फेस के हिसाब से हम लोग किस चीज़ को मानते हैं तो मार्किंग ऑफ टेबल सर्फेस मतलब जो मार्किंग ऑफ जो टेबल सर्फेस होता है उसको हम लोग मानते हैं ठीक है, है इसीलिए सिक्स Six का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एंगल प्लेट होता है एंगल प्लेट में ऐसे ऐसे स्लॉट रहता है तो स्लॉट क्यों रहता है स्लॉट रहने का कारण होता है एकोमोडेटिंग बोल्स बोल्स को आ, मतलब एकोमोडेट मतलब सहायता करने के लिए बोल लगाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं स्लॉट काट देते हैं ठीक है इसके बाद एट नंबर का क्वेश्चन भी ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन द ग्रेड भी ब्लॉक कौन सा कौन सा ग्रेड में अवेलेबल होता है तो वी ब्लॉक ए एंड बी होता है ठीक है तो ए का जो साइज होता है हंड्रेड एम mm होता है आप लोग को याद रहना चाहिए ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए डिवाइडर इज यूज फॉर डिवाइडर किस चीज़ के लिए यूज होता है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तो नाइन का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है क्योंकि स्क्राइबिंग सर्कल सर्कल भी बनाता है आर्क भी बनाते हैं और आप देख सकते है, डिस्टेंस भी ले सकते हैं ठीक है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन टेन नंबर का हुच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इनमें से कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट नहीं है तो ये जो आप देख सकते हैं इसमें से स्टॉक पार्ट नहीं होता है ठीक है तो टेन टेन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टर हेड होता है और होता है स्क्वायर हेड होता है सेंटर हेड होता है लेकिन स्टॉक नहीं होता है ठीक है इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्राइबर इज मेड अप स्क्राइबर जो होता है जो लाइन खींचने टाइम यूज होता है तो जिसका एंगल ट्वेल्व टू फिफ्टीन डिग्री होता है तो उस किस मटेरियल से बनता है हाई कार्बन स्टील से बनता है ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए हाई कार्बन स्टील इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व नंबर का हुई वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प्स टू ड्रॉ द पैरल लाइन एलोंग एट डाटू मेज तो इनमें से यूनिवर्सल सर्विस गेज का कौन सा एक पार्ट है जो पैरालली लाइन खींचने तो जो डाटू मेज होता है उसका पैरालली लाइन खींचने में मदद करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाइड पिन काम करता है ठीक है गाइड पिन ए हेल्प करता है लाइन खींचने में इसका बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आप देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हैंड टूल चैप्टर है ठीक है तो हैंड टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फास्ट क्वेश्चन द जॉज इन दिस टाइप ऑफ रेंज ओपन पैराल विद द हेल्प ऑफ स्क्रू दास प्रोवाइडिंग सुटेबल फॉर ऑल साइजेस ऑफ नाट डीजर मतलब ये जो रेंज होता है इसका जॉज पैराल खोलता है स्क्रू का मदद से और ऑल टाइप मतलब ऑल साइजेस ऑफ नाट के लिए काम में आता है तो इस रेंज को क्या बोलते हैं इस रेंज को बोलते हैं मांगकी रेंज तो ये क्वेश्चन एक बार मेरा आई टी का जब एग्जाम चल रहा था तो फर्स्ट सेमिस्टर में यही क्वेश्चन पूछा था तब मेरे से ये क्वेश्चन नहीं आया तो बाद में पता चला इसका राइट आंसर हो जाएगा मांग की रेंज ठीक है इसका बाद क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैमर इज़ यूज फॉर रिवेटेड बाय स्प्रेडिंग द सैंक ऑफ़ द रिवेट मतलब क्या है रिवेटेड में जो सैंक ऑफ द रिवेट होता है उसको स्प्रेडिंग करने के लिए और रिवेटेड बनाने के लिए क्या कौन सा हैमर यूज़ होता है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर बॉल पिन हैमर यूज़ होता है तो रिवेटिंग पर्पज़ के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर यूज़ करते हैं ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए तो हम इसका आंसर बता देते हैं के आंसर और ये हो जाएगा बॉल पिन हैमर इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लेंथ ऑफ द हैमर हैंडल फॉर ए पाँच सौ ग्राम हैमर शुड बी अबाउट जो एक हैमर है जिसका वेट है पाँच सौ ग्राम उसका उसी uh, हेमर का लेंथ कितना होता है हैंडल का लेंथ होता है तीन सौ पच्चीस मिलीमीटर होता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली जेनरली लेंथ ऑफ हैंडल ऑफ हैमर जनरली जो हैंडल uh, होता है भाइस का उसका लेंथ जो होता है एक बेंच वाइज होता है तो उसका जो हैंडल का लेंथ होता है वो कितना होता है टू पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ द नोमिनल साइज ऑफ द वाइस मतलब क्या है जो वाइस का जो नोमिनल साइज होता है उसका टू पॉइंट फाइव टाइम्स मतलब नोमिनल साइज क्या होता है जब द व ऑफ़ द जॉ होता है ना तो जॉ का जो साइज होता है सोच लो डेढ़ सौ एम हो रहा है तो टू पॉइंट फाइव होता है उसका हैंडल का लेंथ ठीक है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रहना चाहिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर जनरल पर्पस ए बेंच भाइस इज फिक्सड एट ए हाइस्ट हाइट ऑफ मतलब जनरल पर्पज के लिए जो बेंच भाइस को हम लोग फिक्स करते हैं तो कितना हाइट में फिक्स करना चाहिए एक सौ छः सेंटीमीटर वन जीरो सिक्स सेंटीमीटर हाइट में आप लोग को फिक्स करना चाहिए अप्रॉक्स वन मीटर हाइट में आप लोग को फिक्स करना चाहिए और कभी कभी आता है कि एल्बो हाइट आता है तो एल्बो हाइट भी राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वाइस क्लम्प आर यूज टू जो वाइस क्लाम्प या सॉफ्ट जॉ होता है तो उसका पर्पस क्या होता है यूज करने का तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर प्रोटेक्ट द फिनिश सर्फिस ऑफ द जॉब मतलब कोई भी एक जॉब है तो जॉब टोटली फिनिश हो गया है तो उसको अगर हम लोग होल्ड करना जाएंगे भाई बेंच वाइज में तो उससे पहले हम लोग को भाई स्लैम्प यूज़ करना चाहिए क्योंकि जो फिनिश सरफेस है उधर मतलब स्क्रैचेस मार्क आ, आ सकता है लेकिन अगर भाई स्लैंप यूज़ करके अगर हम लोग बेंच वाइज में उसको होल्ड करेंगे तो क्या होगा उसमें कोई दाग स्क्रैच मैक नहीं आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर का द मूवेबल जो ऑफ ए बेंच वाइज इज नॉट मूविंग वेंट थ्रू द स्पिंडल इंड मतलब के जो बेंच भाइस होता है वो बेंच भाई इसका मूवेबल जो मूविंग नहीं हो रहा है जब हम लोग स्पिंडल को घुमा रहे हैं फिर भी उसका मूवेबल जो मूव नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या होता है तो इसका कारण होता है सेव सेवन नंबर का आंसर हो जाएगा बी स्पिंडल पिन जब ब्रोकन हो जाएगा टूट जाएगा तब इस टाइप का फॉल्ट आया जाएगा ठीक है इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पिन ऑफ ए क्रॉस क्रॉसपिन हैमर जो क्रॉस क्रॉसपिन हैमर का पिन होता है वो क्या होता है क्रॉस टू द हैंडल हैंडल जो होता है उसका क्रॉस होता है ठीक है और जो स्ट्रेट पिन होता है वो स्ट्रेट होता है और जो बॉल पिन हैमर होता है वो यूज होता है रिवेटिंग पर्पज़ के लिए ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए बॉल पिन हैमर का जो शेप होता है तो वो होता है स्पेरिकल शेप होता है इसके बाद आप देख सकते हैं द पिन ऑफ ए स्ट्रेट पिन हैमर स्ट्रेट पिन हैमर का क्या होता है पिन स्ट्रेट टू द हैंडल होता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टेन नंबर का द बेंच वाइज इज कॉल्ड पैराल जॉब वाइज बिकॉज बेंच वाइज को हम लोग पैराल जॉब वाइज भी कह सकते हैं इसका कारण क्या होता है इट्स मूवेबल जो मूव्स पैरा टू द फिक्स जो जो फिक्स जो होता है ना तो इसका मूवेबल जो जब हम लोग स्पिंडल को घुमाते हैं तो क्या होता है वो पैरालली मूव होता है ठीक है आगे भी बढ़ता है पैरालली और पीछे भी जाता है पैरालली इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरालाल जॉ भाइस भी बोलते हैं तो दो इसीलिए इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा इट मूव्स जॉ पैरालली टू द फिक्स जॉ इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट ऑफ ए बेंच वाइस इज मेड बेंज वाइस के जो बॉक्सनाट होता है किस मेटेरियल से बनता है तो वो बनता है फास्फोरस ब्रोंज से ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व नंबर का द जॉब प्लेट ऑफ ए बेंच वाइस आर मेड अप तो बेंच वाइज का जो जॉब प्लेट होता है किस मेटेरियल से बनता है वो बनता है टूल स्टील से ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन नंबर का द पिन वाइस इज यूज्ड फॉर पिन वाइस अब लोग कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं होल्डिंग द पिन पिन को होल्ड करने के लिए पिन वाइस हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है इसके बाद फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन द हैंड वाइज इज यूज फॉर हैंड हैंडवाइज हम लोग कहाँ यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं डूइंग मिनिट वर्क मतलब बहुत ही छोटा छोटा जो जॉब होता है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसके बाद फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन द बेंच वाइज स्पिंडल इज मेड अप बेंज वाइज का जो स्पिंडल होता है किस मटेरियल से बनता है वो बनता है माइल स्टील से बनता है ठीक है इसलिए फिफ्टीन नंबर का ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन नंबर का आई होल ऑफ हैमर इज जो हैमर का जो आई होल होता है तो आई होल का आ, मतलब सेप कैसा होता है टेपर्ट फ्रॉम बोथ एंड मतलब बोथ एंड दोनों एंड से वो सेट होता है ठीक है इसका इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन हैंडल ऑफ हैमर इज मेड ऑफ जो, जो हैमर का हैंडल होता है किस मटेरियल से बनता है इलास्टिक वुड और बेम्बो से बनता है ठीक है तो सत्रह का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एट्टीन नंबर का द हाइट ऑफ द भाइस्ट ऑफ सुड बी वाइस का जो बेंच भाइस जो होता है उसका टॉप लेवल का हाइट कितना होना चाहिए तो सोच लो बेंच वाइस है तो इसका टॉप का हाइट कितना होना चाहिए तो ऐसा जब रहेगा तो क्या आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा फाइव टू एट सेंटीमीटर बिलो द एल्बो हाइट ऑफ द ऑपरेटर ठीक है तो अठारह का क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन में ऐसे रहता कि एल्बो एल्बो हाइट शोल्डर हाइट आ या लेग हाइट ऐसा रहता तो एल्बो हाइट राइट आंसर हो जाता जब ऐसे पूरा इंडिकेट कर देगा कि फाइव टू एट सेंटीमीटर कम होता है एल्बो हाइट से तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हुच इज़ द फंक्शन ऑफ़ पाइप भाइस पाइप भाइस क्या करता है तो पाइप को होल्ड करता है ठीक है तो आप देख सकते ग्रिप्स द वर्क एट फोर पॉइंट्स मतलब पाइप बाइस किस टाइप का होता है दो जॉज रहता रहता है भी सेप रहता है तो ये जो पाइप होता है तो चार पॉइंट में टच होता है ठीक है तो क्या होता है द स्क्रीव भार्टिकल द मूवेबल जो मूव भार्टी के लिए तो तीनों चीज़ राइट है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो फाइव फाइव भाइस का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबब इसका बात बोल रहा है यूजली द उद ऑफ द हैंड वाइज जॉ जो हैंड वाइज होता है तो उसका जो वीद ऑफ़ द जॉ होता है जिससे हम लोग हैंड वाइज का साइज लेते हैं तो क्या होता है फोर्टी टू फोर्टी फाइव एम एम होता है ठीक है ये आप लोग को याद रहना चाहिए इसलिए बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को याद रहना चाहिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका बाद हम डिस्कस करूँगा कौन सा चैप्टर मेज़रमेंट एंड मेजरिंग टूल चैप्टर ठीक है तो आप देख सकते हैं फास्ट क्वेश्चन क्या है ए स्टील रूल इज जो स्टील रूल है स्टील रूल क्या होता है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक डायरेक्ट हम लोग रीडिंग ले सकते हैं और मेजरिंग ए इंस्ट्रूमेंट होता है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिटरमाइंड व्हाइल मेजरिंग ए कॉम्पोनेंट जब एक कॉम्पोनेंट बन जाता है तो उसका बाद जब हम मेजर करते हैं उस साइज को क्या बोलते हैं एक्चुअल साइज बोलता है ए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद बोला है स्टील रूल इज मेड ऑफ जो स्टील लूल होता है किस मटेरियल से बनता है स्टील लूल बनता है स्टेनलेस स्टील से ठीक है स्टेनलेस स्टील से और इसमें कौन सा फिनिश रहता है सेटिन क्रोम फिनिश रहता है ठीक है सेटिन क्रोम फिनिश रहता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट को एक क्वेश्चन के बारे में मालूम नहीं है किस फिनिश रहता है तो सेटिन क्रोम फिनिश रहता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोन नंबर का हुच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायेरनेस ऑफ ए सर्फेस कोई भी एक सरफेस है तो सरफेस का अगर फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को हम लोग चेक करने जाएंगे फ्लैटनेस को हम लोग चेक कर सकते हैं तो ट्राइस्क्वेयर का ब्लेड होता है उसका मदद से और स्क्वायरनेस को कैसे चेक करेंगे ट्राई स्क्वेयर का मदद से तो टोटल इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ट्राई स्क्र इस, इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडायरेक्ट मेजरिंग टूल मतलब डायरेक्ट मेजरिंग टूल और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या होता है जिस मेजरिंग टूल से हम लोग डायरेक्टली रीडिंग को हम लोग देख सकते हैं उसको डायरेक्ट मेजरिंग टूल बोलते हैं और जिसमें हम लोगों को अगर जैसे कैलीपर होता है आउटसाइड कैलीपर और इनसाइड कैलीपर होता है उसमें क्या होता है हम लोग साइज लेके आता है उसका बाद हम लोग भां जो स्टील रूल रहता है स्टील रूल में आके हम लोग चेक करते हैं उसका साइज़ क्या है तो वो इनडायरेक्ट होता है ठीक है तो इसमें से इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनसाइड कैलीपर ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर का द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एस आई यूनिट तो एस आई यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा एस SI आई में हो जाएगा मीटर हो जाएगा ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए इसका राइट right आंसर हो जाएगा मीटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर इनमें से ट्राई स्क्वायर का यूज कौन सा नहीं है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर मेजरिंग राइट एंगल राइट एंगल कोई मेज़र नहीं करता राइट right एंगल हम लोग चेक कर सकते हैं स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं ठीक है कोई भी वर्क पीस है उसको हम लोग 90 डिग्री में सेट कर सकते हैं लेकिन मेजरिंग नहीं कर सकते ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेजरिंग टूल फिर से क्वेश्चन दिया डायरेक्टली मेजर हम लोग किसमें से कर सकते हैं तो स्टील रूल में हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट अगर मेजरिंग करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इतना मिलीमीटर mm है ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ स्टील रूल कोई भी एक स्टील रूल होता है तो उनमें से सबसे कम मिनिमम सबसे कम जो मेज़रमेंट होता है हम लोग मेज़र कर सकते हो क्या होता है तो जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर होता है ठीक है अगर इंच में बोलेगा तब क्या हो जाएगा वन बाई सिक्सटी फोर इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोनों आप लोग को याद रहना चाहिए दोनों ही आ सकता है तो आज मैं बहुत फास्ट आप लोगों का रिविजन करा रहा हूँ अगर आप लोग को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं एक्चुअली रिवीजन क्लास है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ इस इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सॉल्यूशन करना नहीं आता मैं आप लोग का जस्ट रिवीजन के लिए ए, तो मैं चैप्टर वाइज रिवीजन आप लोग का करा रहा हूँ ठीक है तो जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को देख रहा है वो सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो को देखिए अब लोगों का मतलब सड़े चार सौ क्वेश्चन मतलब टेक्निकल का बहुत ज़्यादा होता है इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन आएगा तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना इसका बाद जो देख सकते हैं स्क्वायर इज यूज टू चेक एन एंगल ऑफ स्क्वायर जो एंगल चेक, चेक करता है कितना डिग्री एंगल चेक चेक करता है स्क्वायरनेस चेक करता है मतलब स्क्वायर का एंगल कितना होता तो हो, तो हो, तो हो, तो है नाइन्टी डिग्री होता है तो नाइन्टी डिग्री चेक करता है बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इन मेट्रिक माइक्रोमीटर ए कम्प्लीट रिवोल्यूशन ऑफ थीमबेल एडवांसेज अगर जो मेट्रिक माइक्रोमीटर हो उनमें से जो थिम्बेल होता है थिमबेल थिम्बेल अगर पूरा घूम जाएगा मतलब थिम्बेल में टोटल फिफ्टी डिवीजन होता है तो पूरा घूमने के बाद जो कितना आगे बढ़ता है बैरल तो बैरल आगे बढ़ता है जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को याद रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन द लिस्ट काउंट ऑफ भानिया बीवल प्रोटेक्टर इज भानियाल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है तो फाइव मिनट होता है ठीक है तो कौन सा स्केल में होता है ट्वेंटी थ्री डिग्री मेन स्केल होता है और ट्वेल्व भानिया स्केल होता है ठीक है आप लोग को याद रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रो मेट्रिक माइक्रोमीटर इज मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है तो ये होता है जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम होता है ठीक है और अगर पीच पूछता तो पीच क्या हो जाता है जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर हो जाता ठीक है तो सब कुछ आप लोग याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज़ नेगेटिव एरर अगर नेगेटिव एरर कोई माइक्रोमीटर का है तो करेक्ट रीडिंग जब हम लोग लेंगे तब क्या करेंगे जो एक्चुअल रीडिंग होगा उसका साथ हम लोग ऐड कर देंगे ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा सोचो अगर जीरो पॉइंट जीरो थ्री एम एम नेगेटिव एरर है तो एक्चुअल रीडिंग में हम लोगों को क्या दिखा रहा है एक्चुअल रीडिंग में दिखा रहा है सोच लो ट्वेंटी पॉइंट थ्री जीरो दिखा रहा है ठीक है तो एक्चुअल रीडिंग तो नेगेटिव में था ना तो इसका साथ ही एड हो जाएगा ठीक है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ ए फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव एम आउटसाइड माइक्रोमीटर तो जो भी माइक्रोमीटर होता है उसका एक रेंज होता है जैसे जीरो टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी फ़िफ्टी टू सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड सब पच्चीस पच्चीस गैप में होता है ओनली इनसाइड माइक्रोमीटर को छोड़ के ठीक है तो ये जो माइक्रोमीटर होता है आप देख सकते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर मीटर इसीलिए बोल दिया है तो फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव इसका रेंज बोला है तो जीरो पॉइंट जीरो रीडिंग मतलब क्या हो जाएगा जीरो रीडिंग मतलब हो जाएगा फिफ्टी ठीक है क्योंकि एक्चुअली स्केल होता है जीरो टू ट्वेंटी फाइव तो, तो इधर होता है फिफ्टी होगा और ट्वेंटी फाइव मतलब क्या हो जाएगा फिफ्टी का साथ ट्वेंटी फाइव ऐड करेंगे तो सेवेंटी फाइव तो आ रहा है ना फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव स्केल तो ऐसे होता है ठीक है तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बहुत ही अच्छा से बता सकता हूँ लेकिन आज कुछ नहीं बताऊंगा आप लोग प्लीज़ रिविजन कर लेना बहुत ही अच्छा से नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन नंबर का कुच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर कोई भी एक आउटसाइड डायमीटर उसका कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करना मतलब क्या है वो तो टोटली कॉन्सेंट्रेट है कि नहीं चेक करना ठीक है तो कॉन्सेंट्रेट है कि नहीं चेक कैसे करते हैं हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा डायल टेस्ट इंडिकेटर का मदद से ठीक है तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का मदद से हम लोग कैसे करते हैं तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का मदद हम का से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी चेक करते हैं और फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं कि ये टोटली फ्लैट है कि नहीं हम लोग चेक कर सकते हैं ठीक है इसका बाद सेवेंटी नंबर का क्वेश्चन है द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विद द भानियर कैलिपर इज कॉल कोई भी इंस्ट्रूमेंट से अगर सबसे कम मेजरमेंट अगर हम लोग मिल सकते हैं हम हम लोग अगर मिल सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मतलब कोई भी एक कैलीप सोच लो इधर भानियर कैलीपर बोला है अगर स्टील रूल बोलता है सबसे कम मेजरमेंट अगर हम लोग जिसको मेजर कर सकते उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट ठीक है तो आप लोग को याद रहना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्ट काउंट ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज थ्रेडेड स्पिंडल स्पीडिल पीच ऑफ तो मैं पहले से आपको बता के आ रहा है कि इसका पीच कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव एम एम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टीन नंबर का जीरो एरर इन माइक्रोमीटर मीन्स माइक्रोमीटर का जो जीरो एरर होता है कभी पॉजिटिव एरर बोलता है कभी नेगेटिव एरर बोलता है तो इसका मीनिंग क्या होता है जब मेजरिंग फेसेस कांटेक्ट में रहता है जो मेजरिंग दो फेसेस रहता है ना जिसका बीच में सोचो इतना गैप होता है तो इसका बीच में जॉब रहता है तो मेज़र करता है तो दो मेजरिंग सरफेस जब भी एक कॉन्टेक्ट में रहता है तब क्या होता है तब देख सकते हैं इधर क्या बोला है इधर बोला है जो, जो डाटूम लाइन है इधर हम ड्राइंग करके दिखाते हैं जो डाराटूम लाइन है और जो थिम्बेल लाइन है इन दोनों को एक साथ मैच करना चाहिए लेकिन मैच नहीं करता डाटूम लाइन इधर रहता है तो थिम्बेल कभी इधर रहता है ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है तो इसको बोलते हैं जीरो एरर ठीक है मतलब क्या है ये जो दो मेजरिंग सर्पेस इधर एक साथ मतलब कॉन्टेक्ट में है फिर भी क्या होता है ये डाटूम लाइन का साथ थिम्बेल का डाटूम लाइन मैच नहीं करता इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो एरोर ठीक है तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लॉक नट इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू माइक्रोमीटर के लॉक नट का काम क्या होता है तो जब भी हम लोग कोई भी माइक्रोमीटर का द्वारा कोई भी एक जॉब है तो इसका मेजरमेंट कर लिया है तो मेजरमेंट करने के बाद क्या है उसको हम लोग लॉक नट को टाइट कर देते हैं तो लॉक नट को टाइट करने से क्या होता है रीडिंग जो होता है वो बदल नहीं जाते हैं ठीक है इसीलिए इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्क पीस मतलब वर्क पीस में जब भी हम लोग मेजरिंग कर लेते हैं तब उसको लॉकनाट को बंद कर देते हैं ठीक है तो लॉकनाट का यही काम होता है तो लॉकनाट बंद करने से क्या होता है लो, जो मेजरमेंट होता है वो हट नहीं जाता है ठीक है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर किस प्रिंसिपल में काम करता है नॉट एंड बोल्ट प्रिंसिपल में काम करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हुइच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एक्यूरेटली द एंगल ऑफ टेपर एंगल ऑफ टेपर को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार्आर बीबेल प्रोटेक्टर ठीक है तो हम लोग जानते हैं भानियार बीबेल प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं एंगल को मेजरमेंट करने के लिए तो टैपर एंगल है तो इसलिए हम लोग भानिया बीवेल प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है फाइव मिनट इसका लिस्ट काउंट है ओके okay. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं काउंट ऑफ वन एयर कैलिपर वन एयर कैलिपर के लिस्ट काउंट होता है जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम इसका टू कॉन्वर्ट द लिनियर मोशन ऑफ द प्लांजर ऑफ ए डायल्टेस्ट इंडिकेटर टू द रोटरी मोशन ऑफ द पॉइंटर हुई ऑन ऑफ द फॉलोइंग मेकनिजम इज यूज तो डायल्टेस्ट इंडिकेटर का लीनियर मोशन ऑफ द प्लान जब लीनियर मोशन ऐसे जब घूम रहा है तो रोटरी मोशन ऑफ द पॉइंटर पॉइंटर ऐसे ऐसे घूमता है जब भी ये आगे बढ़ता है तो क्या होता है अगर ऊंचा नीचे ऊंचा नीचे रहेगा तो ये ऐसे ऐसे मतलब पॉइंटर घूमते रहता है तो इस मेकानिज्म कौन सा मेकानिज्म रहता है डायलटेस्ट इंडिकेटर में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैक एंड पिनियन मेकानिज़म काम करता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आप देख सकते हैं रैचेट स्टॉप इन द माइक्रोमीटर हेल्प्स टू माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप का काम क्या होता है टू कंट्रोल द प्रेशर ठीक है जब भी हम लोग कोई भी मेजरमेंट ले, ले लेते हैं उसका बाद क्या करते हैं धीरे धीरे हम लोग रैचेड स्टॉप को घुमा घुमा के थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं ठीक है मतलब प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं जितना चाहिए उतना ही हम लोग को रेचेड स्टॉप का द्वारा प्रेशर दिया जाता है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट काउंट ऑफ ए भानियर कैलिपर इज इक्वल टू भानियर कैलिपर का लिस्ट काउंट इज इक्वल होता है वन एम एच डी माइनस वन वी एच डी इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छब ट्वेंटी सिक्स नंबर का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद आप देख सकते हैं माइक्रोमीटर हैज ए पॉजिटिव एरो जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम वॉट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर वन एम एम ठीक है तो जब भी बोलेगा पॉजिटिव एरर तब भी ये जो एरर है इस एरर से माइनस कर देना चाहिए और जब भी इधर बोलेगा कि नेगेटिव एरर तब क्या करना चाहिए इधर जब भी नेगेटिव एरर बोलेगा तब इधर ऐड कर देना चाहिए ठीक है तो अभी क्या बोला है जो बोलेगा उसका उल्टा करना चाहिए तो इसमें अभी क्या बोला है आप देख सकते इधर बोला है पॉजिटिव एरर बोला है मतलब क्या नेगेटिव माइनस कर देना है तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट आप देख सकते हो ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर वन से अगर हम लोग जीरो पॉइंट जीरो टू को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री नाइन इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है तो आप देख सकते इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन और हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन ए माइक्रोमीटर हैज़ ए नेगेटिव एरर तो इसमें बोला नेगेटिव एरर मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा तो नेगेटिव एरर क्या दिया है आप देख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो थ्री और टोटल रीडिंग फोर्टी पॉइंट फाइव थ्री क्या हो जाएगा फोर्टी पॉइंट फोर फाइव सिक्स हो जाएगा इसलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन नंबर का क्वेश्चन में बोला है जीरो एरर ऑफ ए फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव एम एम आउटसाइड माइक्रोमीटर कैन बी चेक विथ जीरो एरर हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं तो जीरो एरर हम लोग टेस्ट पीस का द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं तो टेस्ट पी, पीस का मदद से हम लोग जीरो एरर को चेक कर सकते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्लीप ऑफ ए मेट्रिक माइक्रोमीटर मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर जो मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है तो सिलिप सिलीव या बैरल सेम होता है तो उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होता है उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे टोटल 25 डिवीजन रहता है तो बीच में और एक डिवीजन रहता है तो एक एम एम mm करके टोटल होता है तो इसका बीच में और एक डिवीजन मतलब जीरो पॉइंट फाइव होता है ठीक है इसीलिए थर्टी का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ओके okay, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी का द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन ऑफ द थीम बेल ऑफ ए मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर इज मतलब थीम बेल का एक एक डिवीजन का जो वैल्यू क्या होता है तो जो एज होता है ना तो इसमें थर्टी तो वन तो mm तो का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है थर्टी टू नंबर का क्वेश्चन इफ द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बेल डिविजन ऑफ एंड आउटसाइड माइक्रोमीटर बिलो द डाटूम लाइन ठीक है तो मतलब बिलो द डाटूम लाइन बोला है तो जब भी इन दोनों कांटेक्ट में रह तो एरर बोला है आप देख सकते हैं दोनों मेजरिंग सरफेस कांटेक्ट में है फिर भी ये जो बैरल का डाटूम लाइन है और थिम्बेल का डाटूम लाइन मैच होना चाहिए लेकिन इसका नीचे है तो ये कौन सा एरर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एरर ठीक है तो आप लोगों को जानना चाहिए ज्यादातर स्टूडेंट के अंदर ये डाउट होता है ये बोलता है कि नेगेटिव एरर लेकिन नेगेटिव एरर कभी नहीं हो सकता ये पॉजिटिव एरर होगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ए डेप्थ माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर वाइड रेंज ऑफ साइजेस बिकॉज एक डेप्थ माइक्रोमीटर को देख के हम लोग बहुत वाइड मतलब बहुत ज़्यादा रेंज वाला साइज को हम लोग मेजर कर सकते हैं क्यों बिकॉज इट इज इक्विप्ड विद नंबर ऑफ एक्सटेंशन रॉड इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन रॉड रहता है ठीक है तो एक्सटेंशन रॉड यूज़ करके हम लोग बड़ा बड़ा साइज वाला मतलब डेप्थ को चेक कर सकते हैं ठीक है इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर नंबर का इन हुई वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोमीटर्स कौन सा एक माइक्रोमीटर है दट ग्रेजुएसन ऑन थीम बेलेंस स्लीप आर इन रिवर्स डायरेक्शन टू द टू दैट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर मतलब माइक्रोमीटर में जैसे होता है तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है जैसे माइक्रोमीटर में क्या होता है ऐसे अगर हम लोग थिम्बल को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो क्या इधर इधर आता है इस डायरेक्शन में आता है और आ, जो डेप्थ माइक्रोमीटर में होता है तो डेप्थ माइक्रोमीटर घुमाने के बाद क्या होता है ये इस तरफ जाता है ठीक है मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर में इधर आता है और डेप्थ माइक्रोमीटर में इधर जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन होता है तो कौन सा माइक्रोमीटर में होता है तो डेप्थ माइक्रोमीटर में होता है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डेप्थ माइक्रोमीटर ठीक है तो डेप्थ माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द लिस्ट काउंट ऑफ ए भानियर आउटसाइड माइक्रोमीटर भानियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम एम होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हिच पार्ट ऑफ भानियर हाइट गेज भानियर हाइट गेज का, का कौन सा पार्ट होता है जिसमें मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएट होता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा बीम ठीक है तो बीम पोर्सन में ग्रेजुएशन किया जाता है ठीक है इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वेल मेजरिंग विद भानियर बिबेल प्रोटेक्टर व्हिच पार्ट इज़ यूज नॉर्मली एज रेफरेंस सरफेस जब भी हम लोग भानिया बिबेल प्रोटेक्टर यूज करते हैं तब रेफरेंस सरफेस का हिसाब से कौन सा पार्ट काम करता है भानिया बिबेल प्रोटेक्टर का तो स्टॉक पार्ट काम करता है ठीक है तो स्टॉक पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट नंबर का ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द भानिया बिवेल प्रोटेक्टर भानिया बिवेल प्रोटेक्टर का कौन सा पार्ट में मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएट होता है तो मेन स्केल डिवीजन कहाँ ग्रेजुएट होता है आप देख सकते इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इधर से आता है कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ भानिया बिबिल प्रोटेक्टर तो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ भानिया बिबेल प्रोटेक्टर हो जाएगा डायल ओके थर्टी नंबर थर्टी नाइन नंबर का जो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इधर से आता है कि मेन स्केल तो डिस्क में होता है भान्या स्केल कहाँ ग्रेजुएसन होता है डायल में होता है ठीक है आप लोग को याद रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इच भानिया स्केल डिवीजन ऑफ भानिया वीवेल प्रोटेक्टर इज भानिया वीवेल प्रोटेक्टर के एक एक भानिया स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या होता है वन डिग्री फिफ्टी फाइव मिनट होता है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी नंबर का द वैल्यू ऑफ इच मेन स्केल डिवीजन ऑफ़ भानिया बीवेल प्रोटेक्टर इज भानिया बीवेल प्रोटेक्टर का एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या होता है एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है एक डिग्री ठीक है और ट्वेंटी थ्री टोटल मेन स्केल डिवीजन रहता तो तो वैल्यू हो जाएगा टोटल ट्वेंटी थ्री डिग्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द लिस्ट काउंट ऑफ यूनिवर्सल भानिया बीवेल प्रोटेक्टर यूनिवर्सल भानिया बीवेल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है ये होता है फाइव मिनट होता है ठीक है तो फोर्टी वन का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट काउंट ऑफ ए भानिया डेप्थ गेज इज भानिया डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट क्या होता है जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम होता है भानियर का जैसे होता है ठीक है वो तो डेप्थ के डेप्थ को चेक करने के लिए हम लोग भानिया डेप्थ गेज यूज़ कर सकते हैं इसके बाद भानिया डेप्थ गेज इज़ यूज फॉर मेजरिंग तो भानिया डेप्थ गेज हम लोग कहाँ चेक करते हैं कि मतलब किस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं तो स्टेप या डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल ब्लाइंड होल का डेप्थ को चेक करने के लिए कोई भी स्टेप है तो उसका डेप्थ को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है द काउंट ऑफ भार्नियर हाइट गेज इस भार्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट होता है जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फाइव नंबर का वाइल लेइंग आउट द भार्नियर हाइट गेज मस्ट बी यूज ऑन द जब हम लोग मार्किंग करते हैं तब भानियर हाइट गेज को किसका ऊपर रखना चाहिए तो हम लोगों को रखना चाहिए सरफेस प्लेट का ऊपर ठीक है तो फोर्टी फाइव का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा तो आप लोग को याद रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन द साइज ऑफ ए भानियर हाइट हाइट गेज इज स्पेसिफाइड बाय तो भानियर हाइट गेज का साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं हाइट ऑफ द बीम ठीक है तो बीम का जितना हाइट होता तो है उसका हिसाब तो क्योंकि बीम बीम में बे स्केल ग्रेजुएट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेवन नंबर का व्हाइल मार्किंग विथ ए वार्नियर हाइट गेज भार्नियर हाइट गेज के मदद से जब भी हम लोग मार्किंग करते हैं तब वर्क पीस इज जनरली वर्क पीस को हम लोग जनरली हम लोग कहाँ रखते हैं तो सपोर्टेड बाई एंगल प्लेट ठीक है एंगल प्लेट का मदद से हम लोग सपोर्ट देते हैं उसको इसलिए ए इज इस द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट इनसाइड माइक्रोमीटर हैज़ द ग्रेजुएसन मार्क ऑन द स्लीप टू ए रेंज ऑफ तो माइक्रोमीटर का जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है तो उस स्मॉलेस्ट इन इनसाइड माइक्रोमीटर में जो रेंज होता है ग्रेजुएसन होता है टोटल थर्टीन एम एम होता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है द टू गेट द लीस्ट काउंट ऑफ फाइव मिनट इन ए वन ईयर प्रोटेक्टर ट्वेंटी थ्री डिग्री मेन स्केल आर डिवाइडेड इन टू तो भार्या बीवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है फाइव मिनट और ट्वेंटी थ्री मेन स्केल डिवीजन का साथ कितना भारिया स्केल डिवीजन मैच करता है ट्वेल्व भार्या स्केल डिवीजन मैच मैच करता है इसलिए इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है द एंगल हुई इज लेस दैन नाइन्टी डिग्रीज कॉल जो एंगल लेस देन नाइन्टी डिग्री होता है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल भार्नियार बीवेल प्रोटेक्टर या यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर इज सिमिलर दैट ऑफ

तो ये कौन सा चैप्टर था अभी ये था अभी मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं क्या है मेटल चैप्टर तो मेटल चैप्टर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा तो फर्स्ट क्वेश्चन था चीप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज दैट इट इज तो एल्यूमिनियम का जो मेन प्रॉपर्टी होता है मुख्य प्रॉपर्टी उसका जो गुण होता है वो क्या होता है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ठीक है तो सॉफ्ट होता है इसीलिए और लाइट भी होता है इसीलिए हम लोग एरोप्लन बनाने के पर्पज़ में हम लोग एलुमिनियम को यूज़ करते हैं ओके इसके बाद गान मेटल इज एन अब गान मेटल किसका किसके एलोय में बना होता है कॉपर टीन एंड जिंक का एलोय में बना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर का जनरली बियरिंग बुसेज आर मेड ऑफ बियरिंग बुस जनरली किस मेटेरियल से बनता है तो गार्ड मेटल इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था चीप एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या क्या चीप एलोइंग एलिमेंट मतलब क्या क्या मेन जो एलोइंग एलिमेंट क्या क्या लगता है तो ए लगता है क्रोमियम एंड निकेल लगता है ठीक है तो फोर नंबर का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द फिलामेंट ऑफ लैम्प बल्ब आर मेड ऑफ लैम्प बल्ब का फिलामेंट किस मेटेल से बनता है तो टांगस्टेंट से बनता है ठीक है इसीलिए टांगस्टेन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर का द एलोइज डालुमिन एंड हिंडलम कॉन्टे नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ तो जो एलोई है डूरलमिन एंड हिंडलियम नाइन्टी फाइव परसेंट क्या uh, रहता है इसका अंदर तो इसका अंदर रहता है एल्यूमिनियम रहता है ठीक है इसके बाद बोला है मांच मेटल तो मांच मेटल होता है कॉपर एंड जिंक तो इसका परसेंटेज कितना होता है सिक्सटी फोर्टी परसेंटेज होता है सिक्सटी परसेंटेज कॉपर फोर्टी परसेंटेज होता है जिंक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर का मोनेल मेटल कॉन्टेंट्स मोनेल मेटल किस किस मेटेरियल से बनता है तो निकेल एंड कॉपर इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर का तो इधर बोल रहा है कि टीन कुछ और द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक अबाउट टीन इज करेक्ट मतलब टीन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कारेक्ट होता है तो ये ना, right हो होता है कॉरोसन रेजिस्टेंस मेटल ठीक है इसीलिए इसका नाइन का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा टीन इज कॉरोसन रेजिस्टेंस मेटल इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कास्ट आयरन इज यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग मे मैसन बेड बिकॉज जो कास्ट आयरन होता है मैसिन बेड का पर्पज के लिए बनाने में यूज होता है तो क्यों यूज होता है क्योंकि इट कैन टेक या इट कैन रेजिस्ट मोर कॉम्प्रेसिवि स्ट्रेस मोर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को ले सकता है इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन नंबर का ब्रास इज एन एलॉय ब्रास किसका एलॉय होता है ब्रास होता है कॉपर एंड जिंक का एलॉय ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एलुमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज़ नॉट यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क बिकॉज एलुमिनियम अगर प्योर फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि इट लैक स्ट्रेंथ ये कभी कभी इसका स्ट्रेंथ को खो जाता है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है

तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन गैल्वनाइज आयरन इज कोटेड विथ जो गैल्वनाइज आयरन होता है तो उसमें हम लोग किसका कोटिंग देते हैं जिंक का कोटिंग देते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन कॉन्टेंट इन कोल्ड चीजे कोल्ड चीजें में कितना कार्बन परसेंटेज रहता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ वन से वन पॉइंट टू परसेंटेज तक ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर का पी डी एफ बहुत सारा चैनल है जो आप लोगों को आ, मतलब पैसा लेके बेचता है तो ये पी डी एफ में फ्री का अगर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर एट फाइव एट थ्री एट सेवन जीरो डबल टू थ्री में कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो ए ही पी से ज़्यादातर चैनल में क्वेश्चन बनाते हैं और उन लोग क्वेश्चन का पी बना के अलग अलग पी बना के पैसा दे के बेच देते हैं तो ऐसे आप लोगों को क्या खरीदना नहीं है ये पी फ्री में मिल जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कीजिए मैं नंबर दे दिया या आप लोग व्हाट्सएप पर एस कीजिए मैं आप लोगों को ये पी सेंड कर दूंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रोच इज एन एलॉय ब्रॉन्च किसका एलॉय होता है तो ब्रॉन्च होता है कॉपर एंड टीन का एलॉय इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटीन नंबर का द प्रॉपर्टी बाई हुइच मेटल कैन बी रोल्ड इन टू बोल रहा है कि मेटल को एक कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी में हम लोग मेटल को रोल करके सीट में बना सकते हैं तो ये होता है मेलेबिलिटी ठीक है तो मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग सीट मेटल में बदल सकते हैं ठीक है मेटल को तो एक लीड होता है एक इसका एग्जाम्पल इसके बाद नेक्स्ट बोला है क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ क्रेन हुक्स किस मेटेल से बनता है क्रेन हुक्स बनता है रॉट आयरन से ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ कॉरोशन रेजिस्टेंट इनमें से कौन सा मेटल कॉरसन रेजिस्टेंस होता है तो ट्वेंटी वन का राइट right आंसर हो जाएगा टीन तो ये क्वेश्चन पहले आया था तो टीन इज द राइट आंसर हुआ था तो इधर भी टीन इज द राइट आंसर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोइ कैन रेजिस्ट सॉल्ट वाटर कॉरूशन इनमें से कौन सा एलोय सॉल्ट वाटर कॉरोशन से बचा सकते हैं रेजिस्ट कर सकते हैं तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा जिंक एलो इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है अगर आप लोग इसरो में जाएंगे तो यही इधर से ही क्वेश्चन पूछेगा अगर बार्क का एग्जाम देंगे तो इधर से ही क्वेश्चन पूछेगा एन का भी इधर से क्वेश्चन कॉमन आएगा तो इजी क्वेश्चंस कॉमन आता है तो मैं जो क्वेश्चन लास्ट डे में क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को इधर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉमन होगा एग्जाम में ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री नंबर का व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेटल का कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी है इनमें से तो कोरोसिवनेस इज द राइट आंसर हो जाए कोरोसिवनेस जो प्रॉपर्टी होता है जंग लगना ये होता है एक केमिकल प्रॉपर्टी तो केमिकल रिएक्शन का वजह से होता है इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर नंबर का हुई ची ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एब्रेशन मतलब कौन सा एक प्रॉपर्टी होता है मेटल का जो रेजिस्टेंस टू एब्रेशन मतलब चोट वगैरह स्क्रैचेस में मार्क जो लगता है उनमें से मेटल को बचाता है तो एक हार्डनेस प्रॉपर्टी होता है जिन जी हार्डनेस प्रॉपर्टी में मेटल uh, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वो ये रजिस्टिंग प्रॉपर्टी भी होता है उनमें से क्या होता है कोई भी स्क्रैचेज मार्क वगैरह नहीं लगता इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव नंबर का हुई वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मेटल एनाबल्स द मैन्युफैक्चर ऑफ चेन लिंक्स फ्रॉम रॉट आयरन रॉट आयरन से चेन लिंक बनाने के लिए कौन सा कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो होता है तो सबसे पहले होता है मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है उसका बाद उसका बाद टफनेस होता है इसीलिए इसका राइट right आंसर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का सी आंसर राइट हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स नंबर का डेली जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ इंक्रीज ऑफ कार्बन कॉन्टेंट इन स्टील रिजल्ट इन मतलब स्टील में अगर कार्बन परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ठीक है तो इंक्रीज इन हार्डनेस हार्डनेस में भी ज़्यादा हो जाएगा इसके इसका बाद बोला है ट्वेंटी सेवन नंबर का क्वेश्चन हुई ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपेसिटी ऑफ ए मेटल टू इस्टेंट डिस्ट्रैक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स मतलब मेटल का कौन सा एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें एक्सटर्नल लोड को वो रेजिस्ट कर सकता है ठीक है मतलब रेजिस्ट कर सकता है रोज कर सकता है तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें वो एक्सटर्नल लोड को अच्छा से ले सकता है इसके बाद ट्वेंटी नाइन नंबर का क्वेश्चन हुई वन एमोंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल इज द पावर ऑफ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल सेफ आफ्टर डिफॉर्मेशन वेन द लोड इज़ रिमूवड मतलब मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसमें से आ, अगर हम लोग कोई भी एक स्प्रिंग जैसा होता है तो उसको हम लोग खींच के अगर पकड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा उसका अगर लोड को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा फिर से ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्ट्रिसिटी तो इलास्टिसिटी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर का व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप विदाउट डिस्ट्रक्शन अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बोला है मेटल का कौन सा एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स का विनाय मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता फिर भी इसका जो सेप होता है चेंज में हम लोग परिवर्तन ला सकता है तो प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होता है प्लास्टिसिटी में होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल इज द प्रॉपर्टी बाई व्हिच रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू फ्रैक्चर वाई रिपीटेड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मतलब बेंडिंग ट्विस्टिंग करेंगे फिर भी ये टूटता नहीं है ठीक है तो इसको क्या बोलता है इस प्रॉपर्टी को बोलता है टफनेस प्रॉपर्टी ए भाइब्रेशन सडन भाइब्रेशन शौक को ले सकता है अगर ट्विस्टिंग करेंगे फिर भी इसका कुछ नहीं होता इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू नंबर का हुच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर द मेटल फॉर द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग वेल्डिंग ब्रेजिंग सोल्डरिंग तो कास्टिंग वेल्डिंग ब्रेजिंग सोल्डरिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए तो फ्यूजिबिलिटी होना चाहिए अगर फ्यूजिबिलिटी में नहीं होगा तो कास्टिंग में आ, और मोल्डिंग में सब मेटल को पिघलना चाहिए तो क्या होना चाहिए पिघलना चाहिए तो पिघलने के लिए क्या होना चाहिए फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए इसका बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री नंबर का मेटल प्रोसेस फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हुच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इनमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है मेटल का कौन सा तो आप देख सकते हैं फ्यूजिबिलिटी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो थर्टी थ्री नंबर का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजिबिलिटी इज द राइट आंसर हो जाएगा थर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन रास्ट इज फॉर्म फ्रॉम आयरन एंड हुई आदर एलिमेंट रास्ट किन किन से बनता है तो आयरन से बनता है और किस से बनता है थर्टी फोर का राइट right आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ठीक है तो ए फी टू ओ थ्री जैसे होता है तो आयरन रहता है और ओ रहता है मतलब ऑक्सीजन रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फाइव नंबर का हुइच ऑफ दिस मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में कौन सा मेटल लिक्विड होता है तो ये होता है मरकरी ठीक है तो मारकरी इज द राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स नंबर का हुइच ऑन ऑफ़ द फॉलिंग मेटल्स कैन बी फाउंड इन ए प्योर स्टेट इन नेचर इनमें से कौन सा एक मेटल होता है जिसको हम लोग नेचर में प्रकृति में प्योर फॉर्म में, 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 में पाता है तो प्योर फॉर्म में कौन सा मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्टी सिक्स नंबर का गोल्ड जो, जो गोल्ड होता है गोल्ड प्योर स्टेट में मिलता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेवन नंबर का इ, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रोंच इज एन एलोय ऑफ ब्रोंच किसका एलोय होता है कॉपर एंड टीन का एलोय होता है थर्ट सेवन नंबर का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इन टू वर्स इज ए मेजर ऑफ इट्स मतलब मेटल का कौन सा एक प्रॉपर्टी होता है जिनमें से हम लोग मेटल का मेटल को खींच के टेंशन में खींच के हम लोग तार बना सकते हैं वायर बना सकते हैं तो होता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कॉपर एलुमिनियम इसका एग्जाम्पल होता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट मेटल है ज़्यादातर जा, मेटल का क्या होता है लो नेगेटिविटीज होता है ठीक है इसलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेटल स्विच बर्न ऑन एक्सपोज टू एयर आर वे स्टोर्ड इन मतलब कोई भी मेटल अगर हम लोग एयर में लाएंगे तो आग लग सकता है तो इसलिए वो सब मेटल हम को हम लोग को कहाँ रखना चाहिए केरोसिन में रखना चाहिए तो फोर्टी नंबर का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा जैसे सोडियम होता है सोडियम को हम लोग केरोसिन के अंदर रखते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गैल्वानाइज मेटल हैव बीन को कवर्ड विथ ए थीन सीट ऑफ गैल्वानाइज आयरन मतलब क्या उसके ऊपर जिंक का कोटिंग देते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी टू नंबर का व्हिच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रास्ट अर्थ क्रास्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है तो एलुमिनियम इज द राइट आंसर हो जाएगा फोर्टी टू नंबर का सी इज द राइट आंसर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेफर्ड मेटेरियल फॉर सोल्डरिंग बीट सोल्डरिंग बीट बनाने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा मेटेरियल यूज होता है तो कॉपर इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फोर नंबर का आइडेंटिफाई हुई नॉन मेटल विल कॉन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्डक्ट करता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को चालित करता है इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ग्राफाइट हो जाएगा ठीक है तो ये था टोटल आज सिक्स चैप्टर सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं आज टोटल डिस्कस किया हूँ एग्जाम से पहले अगर वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ऐसे आने वाला हाथ टेक्निकल एग्जाम का पहले मैं ऐसे आप लोगों को क्लास ले लूंगा और ऐसे हमको सपोर्ट करते रहना क्योंकि आप लोगों की तरफ से अगर जब सपोर्ट मिलेगा तब मेरे को भी अच्छा लगेगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम के लिए वेस्ट ऑफ लक